जो कि एक बहुत ही स्पेशलाइज फंक्शन है और बहुत हाईली पेइंग एंड हाईली रिवार्डिंग है कॉर्पोरेट वर्ल्ड में, परंतु प्रभु जी ने पूरा जीवन जो है वो भगवान की सेवा में लगाया है और बहुत अद्भुत प्रचार कर रहे हैं मीरा रोड टेम्पल और दमन एंड दीव एरिया में प्रभु जी प्रचार कर रहे हैं, कई एरियाज में वेस्टर्न इंडिया में बहुत प्रचार कर रहे हैं, साउथ इंडिया में भी प्रभु जी बहुत ट्रैवल करते हैं और प्रभु जी की मास्टरी है शास्त्रों के ऊपर और उनका जो प्राकट्य है वो भी मध्वा संप्रदाय है उसी में हुआ और जैसे मैंने बताया शास्त्र में बहुत अधिक पारंगत हैं और भक्ति शास्त्री भक्ति वैभव वृंदावन इंस्टीट्यूट मायापुर इंस्टीट्यूट सब जगह प्रभु जी कोर्सेज देते हैं और उनकी स्कॉलरली टीचिंग से सब लोग बहुत प्रभावित होते हैं। तो हम प्रभु जी का हार्दिक स्वागत करेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और बहुत ही ध्यान से प्रभु जी से बहुत महत्वपूर्ण शिक्षाएं हैं वो लेने का प्रयास करेंगे। हरे कृष्णा। जय राधा माधव कुंज विहारी जय राधा माधव कुंज विहारी जय गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी जय गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी जय राधा माधव कुंज विहारी जय राधा माधव कुंज विहारी जय गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी केशोदानंदन व्रजजन रंजन यशोदानंदन व्रजजन रंजन यमुनातीरा वनचारी यमुनातीरा वनचारी जय राधा माधव कुंज विहारी जय जय राधा माधव कुंज विहारी हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा राम राम हरे हरे
हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे हरे रामा 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 रामा राम राम हरे 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 कृष्णा जय राधा गोविंद राधा गोविंद राधे जय सीताराम लक्ष्मण भक्त हनुमान सीताराम लक्ष्मण भक्त हनुमान हरि गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल नित्य गौर जय जय प्रभुपाद 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 प्रभुपाद
श्रील प्रभुपाद की जा। ओम ज्ञानज्वरंदस्य ज्ञानांजनशलाकय मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदामयहं ददाति स्वापदान्तिकं। वन्देहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनासहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणाललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्तदेशतारिणे। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिसिद्धान्त सरस्वतीनिति नामिने। श्रीवार्षभानवी देवी दयिताय कृपाब्धये कृष्णसम्बन्धविज्ञान दायिने प्रभवे नमः। माधुर्योज्ज्वलप्रेमाढ्य श्रीरूपानुगभक्तिदा श्रीगौरकरुणाशक्ति विग्रहाय नमोऽस्तुते। नमस्ते गौरवाणि श्रीमूर्तये दीनतारिणे रूपानुगाविरुद्धाप सिद्धान्तद्वान्तहारिणे। नमो गौरकिशोराय साक्षाद्वैराग्यमूर्तये विप्रलम्बारसाम्बोधे पादाम्बुजायते नमः। नमो भक्तिविनोदाय सच्चिदानन्दनामिने गौरशक्तिस्वरूपाय रूपानुगावरायते। गौराविर्भावभूमेस्त्वं निर्देष्टा सज्जनप्रियः वैष्णवसार्वभौमः श्री जगन्नाथाय ते नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च अनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरद्विषये नमः। पञ्चतत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकं। हे कृष्ण करुणासिन्धु दीनबन्धौ जगत्पते गोपेश गोपिकाकान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते। जयतां सुरतोर्पङ्गुर्मामन्दमतेर्गति मत्सर्वस्वापदाम्बोजौ राधामदनमोहनौ दिव्यद्वृन्दारण्यकल्पद्रुमादः श्रीमद्रत्नागारसिंहासनस्थौ श्रीमद्राधाशीलगोविन्ददेवौ प्रश्रालिभिः सेव्यमानौ स्मरामि श्रीमान् रासरसारं वंशीवटतटस्थितः कर्षं वेणुस्वनेर्गोपीर्गोपीनाथः श्रियस्तु नः। तप्तकाञ्चनगौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी ऋषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानन्द श्री अद्वैता गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृन्द। हरे कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा। तो फरीदाबाद के भक्तों का सान्निध्य बड़े भाग्य से प्राप्त हुआ। वैसे महाराज ने फ़ोन किया, ओपनिंग हो रहा है कि आप आ जाओ, ठीक है। तो मैं सोचा नहीं था कि फरीदाबाद में आऊँगा, लेकिन जब ओपनिंग हो रहा था उधर गुरुगांव मंदिर का, कल रास प्रिया प्रभु ने कहा कि आप फरीदाबाद जाइए, उधर मैंने कांच का कुछ बनाया है। मैं आया कांच ढूंढने आया, लेकिन मुझे क्या मिला, हीरे मिले।
मैं खास ढूंढने आया, लेकिन ध्रुव महाराज भी ऐसे कहते ना, मैं आया किसके लिए, काश के टुकड़े ढूंढने के आए, मुझे क्या मिला। तो ऐसे ही मैं भी काश ढूंढने आया तो हीरे मिल गए। तो मुझे मालूम नहीं था कि आपका इधर सुंदर मंदिर है, विग्रह है, इतने अच्छे भक्त है, जो सुबह भी आए और शाम को भी आए। सुबह संडे था ना, संडे प्रोग्राम सुबह भी होता, सुबह भी आप आए होंगे और वापस शाम को भी आना। तो जो घर में रह के संडे के दिन दो बार मंदिर में आता है तो महात्मा है। तो आपके प्रेसिडेंट साहब ने कहा कि प्रभुपाद जी के ग्रंथों का शरण लेना, इसके विषय में आप कुछ कहिए। अभी हाल ही में प्रभुपाद जी का तिरुभाव दिवस है, तो या नहीं तिरुभाव दिवस नहीं, इनका प्राकट्य दिवस है। उस दिन ऑस्ट्रेलिया का एक ब्रह्मचारी है गोप वृंदेश प्रभु करके, संस्कृत के विद्वान हैं, संस्कृत के कवि हैं और बड़े भक्ति भाव वाले हैं। हर प्रभुपाद जी के व्यास पूजा के दिन एक स्तोत्र उनके लिए उपहार के रूप में प्रस्तुत करते हैं, उनकी ऑफरिंग रहता है। इस बार उन्होंने 20 श्लोकों की रचना किया श्रील प्रभुपाद जी के ग्रंथों के लिए संबंध में। ये खास करके उन्होंने ये किया इसलिए क्योंकि ये बड़ा महत्वपूर्ण संवत्सर है। संवत्सर मतलब ईयर जिसको कहते हैं, सम्यक पत्सान रमयते इति संवत्सरः। संवत्सर मतलब साल कहते हैं आप, और ईयर जिसको कहा जाता है। सम मतलब भगवान, संपूर्ण भगवान, सम्यक पूर्ण रूप में, वत्सान यानी पुत्रों को बच्चों को, रमयते आनंद देने, कौन है संपूर्ण आनंद बच्चों को कौन देते, भगवान ही देते, हम सब भगवान के बच्चे हैं, ममैव अंशो जीवलोके। तो संपूर्ण रूप में आनंद देने वाले भगवान श्री कृष्ण हैं, इससे सम्यक वत्सान रमयति संवत्सरः, यानी भगवान की भक्ति में तल्लीन रह जो रहता है ऐसे बच्चों को भगवान पूर्ण तरीके से आनंद देते पूरा साल भर, इसलिए संवत्सर शब्द का अर्थ है। ये बहुत महत्वपूर्ण संवत्सर है, खास करके शताब्दी है। शताब्दी मतलब 100 साल। किसका 100 साल हुआ? श्रील प्रभुपाद जी का श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती जी के साथ जो भेंट हुआ था वो 1922 में हुआ था। अभी कौन सा है, कितना साल होता है? 100 साल। तो प्रभुपाद जी जब भक्तिसंत ठाकुर से मिले तो उन्होंने कहा, सीधा पहली बार मुलाकात हो रहा है, तो क्या कहा उन्होंने, पाश्चात्य देश में जाके अंग्रेजी भाषा में चैतन्य महाप्रभु की शिक्षाओं को प्रचार करो। और श्रील प्रभुपाद जी के प्रचार का आधार क्या था? ग्रंथ। जब भी 4 या 5 बार श्रील प्रभुपाद जी का श्रील भक्ति सांसद ठाकुर के साथ उनका भेंट हुआ, खास करके जो आखिरी बार उनका भेंट हुआ राधा कुंड में, उस समय श्रील भक्ति सिद्धांत ठाकुर ने क्या कहा, आगुन जल बे, आग जल रहा है, बाग बाजार में मैं सुंदर मार्बल का मंदिर बनाया, अभी सब लोग झगड़ा कर रहे हैं, ये मेरा ऑफिस है, ये मेरा चेयर है, मेरा पोजीशन है, मेरा ये है, इससे अच्छा कि मंदिर का मार्बल बेच दो और उससे जो पैसा आता है क्या करो, प्रिंट बुक्स, ग्रंथों को मुद्रण करो। तो एक ऐतिहासिक उपदेश है, जब भी आपके पास पैसा आता है तो क्या करो, ग्रंथों को वितरण करो, ग्रंथों को मुद्रण करो, वितरण करो। तो ये ग्रंथ के विषय में प्रभुपाद ग्रंथ की महत्व के विषय में हम जानेंगे तो स्वाभाविक तरीके से उनका शरण लेंगे। जैसे आपको 1 लाख रुपए की आवश्यकता है तो किसका शरण लोगे, जो दे सकता है उसके पास जाओगे, जो बहुत अमीर है उसके पास जाओगे। तो वैसे ही अगर कोई व्यक्ति के अमीरी के विषय में, महिमा के विषय में सुनोगे, स्वाभाविक तरीके से उनका शरण लेंगे, उनके पास वो रक्षा करेगा करके। तो वैसे ही प्रभुपाद जी ग्रंथों की महिमा को श्रवण करेंगे, स्वाभाविक तरीके से उसका शरण लेंगे। इसलिए श्री प्रभुपाद जी के जो ग्रंथ हैं उसकी महिमा को 20 श्लोकों में उन्होंने उल्लेखन किया है। बड़ा सुंदर श्लोक है,
तो वैसे तो टॉपिक अभी बताए तो मैंने सोचा कि प्रसंग यही चल रहा था, तो प्रभु जी आपका नाम भूल गया मैं, नाम गोविंद दास से ऐसी बातचीत हो रहा था, तो उन्होंने कहा कि प्रभु जी प्रभुपाद का बुक्स को कैसे पढ़ना चाहिए। मैंने कहा अरे इस बार तो ये प्रभुपाद जी के बुक्स के विषय में 20 श्लोक लिखा गया, मैंने उनको व्हाट्सएप किया ये पूरा PDF फाइल पढ़ो करके। उसी समय में यहाँ पूछा कि प्रभु जी आज किसके ऊपर लेने वाले हैं। मैंने कहा प्रभु जी गोपेश्वर से पूछो किसके ऊपर लेना है, तो टॉपिक क्या बताया उन्होंने, तो मैंने सोचा इसी के ऊपर दे देंगे। इसका अर्थ क्या है, जो हम प्लान नहीं करते ना वो भगवान का प्लान होता है। हमारा प्लान जो है वो भगवान का प्लान नहीं होता, भगवान का प्लान मतलब जो हमने प्लान नहीं किया फिर भी हो जाता है उसको भगवान का प्लान कहते हैं। हाँ, तो कितने लोगों के जीवन में भगवान का प्लान हुआ है, तो इससे दुखी मत होना। जब अपने प्लान के अनुसार नहीं होता है तो क्या करना चाहिए, सुखी होना चाहिए। क्यों, कृष्ण का प्लान है। या कौन सा, किसका प्लान अच्छा, कृष्ण का या हमारा? तो जब आपके प्लान के अनुसार नहीं होता है कोई कार्य तो क्या करना चाहिए, खुश होना चाहिए। जब आपका बच्चा आपका बात नहीं सुनता है तो आपके प्लान के अनुसार आपका बच्चे को 90% मिलना था लेकिन 9% मिला तो क्या करना चाहिए। तो आपका प्लान था मेरा विवाह इससे हो जाए, बाद में चौपट हो गया तो क्या होना चाहिए, क्या सोचना चाहिए, कृष्ण का प्लान है। तो जो चीज़ हमारे प्लान के अनुसार नहीं होता है तो कृष्ण का प्लान होता है, तो कृष्ण का प्लान हमारे प्लान से अच्छा होता है। ठीक है, तो हमारा कोई प्लान नहीं था तो ये कृष्ण ने प्लान किया इस चीज़ का, है कि नहीं, एक दोनों संयोग बना। तो इसके ऊपर हम थोड़ा चर्चा करेंगे। ये स्तोत्र का नाम है श्रील प्रभुपाद कृपोपहार स्तोत्र, कृपा प्लस उपहारा। कृपा तो जानते हैं, जानते कितने लोग कृपा का अर्थ क्या है, बताइए, कृपा का अर्थ बताइए, मर्सी का अर्थ क्या है, वो प्रसन्न होकर प्रदान करना कृपा थोड़ी कहा जाता है। अच्छा, करने के बाद जो मिलता है वो तो कृपा कैसे हुआ वो? अच्छा, करने के बाद जो मिलता है उसको कृपा कहते हैं। अच्छा, हाँ नहीं, करुणा से ऊपर कृपा है। हाँ, वाह बढ़िया। सार रूप में कृपा करो, योग्यता नहीं होने पर भी जब हमको कोई चीज़ प्राप्त होता है उसको कृपा कहा गया है। क्या है, हाँ, योग्यता के बिना भी हमको जो प्राप्त होता है उसको कृपा कहा गया है कि नहीं। तो खास करके उन्होंने कहा प्रभु जब कष्ट मिलता है, मेरे योग्यता नहीं कष्ट मिलने की, सुख मिलने की योग्यता है, मिल जाता है कृपा है, चलो ठीक है। जो भी हर चीज में कृष्ण का स्मरण करना चाहिए हर अवस्था में। तो कृपा, ऐसे हम योग्य नहीं है, वैदिक ग्रंथों को पढ़ने की योग्यता है कि हमारे पास, पहले जमाने में उपनिषदों का या कोई भी वेद सीखना है तो गुरु के पास जाना पड़ता था। कहाँ जाना पड़ता था, पहले जंगल में, गुरु जी जंगल में रहते थे, हाँ जंगल में जाना पड़ता था, कुटिया में रहना पड़ता था, और गुरु जी खूब परीक्षा लेंगे, परीक्षा में जब पास हो गए, कौन सा परीक्षा लेंगे, जाओ एक कुआं खाली करके आओ, कुआं खाली करके आओ, ऐसी ऐसी परीक्षा देखते थे ये योग्य है कि नहीं, एकदम पूरा रगड़ 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 के, कभी कभी चार चार दिन जो है वो भूखा रखते थे, फिर भी गुरुकुल नहीं छोड़ता है, तब तो योग्य है। यानी तुम्हारे अंदर जिज्ञासा इतना प्रबल है, भले जान छूट जाए लेकिन मैं सीख के रहूँगा, ऐसे लोगों को ही शिक्षा देते थे, ऐसे लोगों के ही उपदेश देते थे, शास्त्र सिखाते थे, योग्यता देख के वो दे देते थे। हाँ, लेकिन प्रभुपाद जी के ग्रंथ क्या हमारे पास योग्यता है, इससे वो वास्तविक कृपा है, प्रभुपाद की कृपा है।
और कृपा और साथ साथ में उपहार। उपहार का अर्थ क्या है? उपहार मतलब क्या है? गिफ्ट। आप किसको गिफ्ट देते हो? जिससे आप प्रेम करते हो, है कि नहीं? जिससे आप प्रेम करते हो उसको गिफ्ट दोगे, जिससे प्रेम नहीं करते हो वो तो द्वेष है, गुस्सा है। अगर वो गिफ्ट देता भी तो भी ले लेते हो, है कि नहीं? नहीं चाहिए जाओ, गुस्से में आप किसी गुस्सा है, किसी को चाहते नहीं हो, वो विचार आके आपको गिफ्ट दिया, नहीं चाहिए तुमसे, गेट लॉस्ट, है कि नहीं? अगर किसी से प्रेम है तो अगर उसको नहीं चाहिए फिर भी देते हो, हाँ? अगर आपको किसी द्वेष है, अगर वो आपको कुछ प्रेम देता भी है तो आप लेते नहीं हो। वास्तविकता में ये उपहार मतलब प्रेम का आदान प्रदान है, हाँ? ददाति प्रतिगृह्णाति गुह्यमाख्याति पृच्छति भुङ्क्ते भोजयते चैव षड्विधा प्रीतिलक्षणम्। श्रील प्रभुपाद जी का अपार प्रेम है हमारे ऊपर, इसकी वजह से उन्होंने एक अमूल्य जो उपहार दिए हमको, वो कृपा के रूप में दिए, यानी अयोग्य होने पर भी हमको दिए। क्या है वो ग्रंथ? इससे स्तोत्र का नाम क्या है? शील प्रभुपाद कृपोपहार स्तोत्र, स्तवा स्तोत्र। और इसके एक एक श्लोक को पढ़ेंगे, थोड़ा सा चर्चा करेंगे, जितना हो सके उतना, जितना टाइम है उतना तक चर्चा करेंगे, ठीक है? तो मेरे बाद सभी लोग बोलने के लिए प्रयास कीजिएगा, हिंदी में भी है, देवनागरी में भी, इंग्लिश में भी है, आप उसको कर सकते हो। सुभक्ति भावार्थ सुधाभिवर्षिणम्, सुभक्ति भावार्थ सुधाभिवर्षिणम्, भवन मनोदार कृपा स्वरूपिणम्। भवन महोदार कृपा स्वरूपिणम्। परंपरा ज्ञान रविम नमाम्यहम्, परंपरा ज्ञान रविम नमाम्यहम्। सुशास्त्र राशिं प्रभुपाद ते कृतम्, सुशास्त्र राशिं प्रभुपाद ते कृतम्। तो तीसरे लाइन में एक शब्द है नमाम्यहम्, का अर्थ क्या है? मैं प्रणाम करता हूँ। किनको प्रणाम कर रहा हूँ मैं? सुशास्त्र राशिम प्रभुपाद ते कृतम्, प्रभुपाद जी के द्वारा कृत यानी लिखा हुआ शास्त्र की राशि, सुशास्त्र राशिम। सुशास्त्र का अर्थ क्या है? ग्रंथ। राशिम का अर्थ क्या है? सारे संग्रह। प्रभुपाद जी के द्वारा लिखा गया जितने भी ग्रंथ हैं, उन सारे ग्रंथों का जो संग्रह है, उन ग्रंथों को मैं प्रणाम करता हूँ। मंदिर में आते लोग भगवान को प्रणाम करते हैं, या भक्त है तो वैष्णवों को प्रणाम करते हैं। आपने कभी देखा ग्रंथों को प्रणाम करते हुए? ग्रंथों को प्रणाम करना चाहिए, हाँ। ग्रंथ कृष्ण से अभिन्न है, हाँ। भागवत में कृष्ण में कोई भेद है नहीं, तो भागवत को ही प्रणाम करना चाहिए। इससे जब आप क्लास देने आते हो, पहला भागवत है इधर, तो क्या करना चाहिए? उसको प्रणाम करना चाहिए, वो दंडवत प्रणाम करना चाहिए। उत्तर भारत में तो ग्रंथ की उपासना करने की विधि बहुत है, वैसे तो सारे सारे जहाँ जहाँ वैदिक सभ्यता है उधर सब कुछ है, लेकिन ग्रंथ जो है वो कृष्ण ही है। तो श्रील प्रभुपाद जी के जो ग्रंथों की राशि है, सुशास्त्र राशिम प्रभुपाद ते कृतम नमाम्यहम्, मैं उनको प्रणाम करता हूँ। क्यों प्रणाम करता हूँ, कारण क्या है, उसकी विशेषता क्या है? विशेषता ये है, पहला सुभक्ति भावार्थ सुधाभिवर्षिणम्। सबसे पहला श्री प्रभुपाद जी ग्रंथों में क्या प्रस्थापित हुआ है? अभिवर्षिणम मतलब वर्षा हो रही है, सुधा, किसकी बारिश है वो? सुधा, सुधा मतलब अमृत, अमृत क्या बारिश हो रहा है।
यानी प्रभुपाद ग्रंथ कैसे एक बड़ा बादल के समान है जिससे क्या क्या बरस रहा है, अमृत बरस रहा है। हाँ, किसकी अमृत बरस रही है? सुभक्ति भावार्थ, सुभक्ति यानी शुद्ध भक्ति का भाव का जो अर्थ है, भावार्थ का वर्षा। जब आप शास्त्र पढ़ोगे, श्लोक पढ़ोगे, उसके अंदर दो प्रकार के अर्थ होते हैं। एक अर्थ है शब्दार्थ, दूसरा क्या है? भावार्थ। तो आप अगर ऐसे ही पढ़ोगे, श्लोक पढ़ोगे, अनुवाद पढ़ोगे, तो आपको क्या मिलेगा? आपको शब्दार्थ मिलेगा। लेकिन शब्दार्थ जानने से इतना फायदा नहीं होता, आपको क्या चाहिए? वो बुद्धिमान है जो भाव को समझता है ना, दूसरे के हृदय में क्या चल रहा है, वो बुद्धिमान है। शब्दों को समझता मूर्ख है। तो ऐसा कहा गया है कि शास्त्रों में, भारत में अलग 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 भाग है ना, उसमें जो मिथिलांचल वाले रहते हैं ना, मिथिला, वो जो है ना, वो मन में क्या चल रहा है अपने आप समझ जाता है, बड़े बुद्धिमान होते हैं। और जो वो जो बिहार वो एरिया के होते हैं, यानी अयोध्या के वो बाजू जो होते हैं, वो लोग जो हैं वो इशारे मात्र समझ जाते हैं, इशारे मात्र से समझ जाते हैं। कुरुजांगला ये एरिया आप जो रहते हो ना, दिल्ली, कुरुजांगल कहा गया है वहाँ भागवत में, तो उनको बोलने से वो समझ जाएंगे। हाँ, लेकिन दक्षिण के लोग जो है बोलने पर भी नहीं समझते ऐसा कहा गया। तो इसलिए दक्षिण भारत में कोई है उसको एक बार बोलो तो पूछा, हाँ वापस बोलना पड़ता है तब वो समझ में आता है उसको तो एक बार बोला समझ नहीं आता। लेकिन सबसे बेस्ट क्या है, वो शिष्य सबसे बेस्ट है, सबसे उत्तम है जो गुरु के बोले बिना उनकी हृदय की बात समझ जाते। इससे रूप गोस्वामी पाद को क्या कहा गया है, श्री चैतन्य मनोभीष्टम स्थापितम येन भूतले स्वयं रूप कदामयहम ददाति स्व पदाति। रूप गोस्वामी पाद के गुरु कौन है? सनातन गोस्वामी पाद। तो सनातन गोस्वामी के लीडर कौन है? रूप गोस्वामी पाद। ये षड गोस्वामियों के लीडर कौन है? रूप गोस्वामी पाद। गुरु कौन है? तो उनका फॉलोअर उनका फॉलोअर उनका गुरु है। क्यों षड गोस्वामियों में रूप गोस्वामी को श्रेष्ठ क्यों माना गया है? चैतन्य महाप्रभु के मन की इच्छा अभिलाषा को समझ के। चैतन्य महाप्रभु के मन की अभिलाषा क्या है? नहीं, रास्ते में क्या चर्चा कर रहे थे हम लोग प्रभु जी? हाँ, रास्ते में क्या चर्चा, किसकी कौन सी लीला की चर्चा कर रहे थे? जो आपने हाईवे दिखाया था, जो ड्राइव कर रहे थे भक्त, मैं एक लीला सुना रहा था आपको। क्या लीला? वेरी गुड, माता जी समझ गई। हाँ, ये है रथ यात्रा है। हाँ, जब रूप गोस्वामी पाद चैतन्य महाप्रभु नृत्य करते हुए देख रहे थे, चैतन्य महाप्रभु भावे भावावेश में क्या बोल रहे थे, कुछ तो श्लोक बोल रहे थे, किसी को समझ में नहीं आ रहा था क्या श्लोक है, क्या क्या बोल क्या रहे महाप्रभु। हाँ, रे वा रोध से तरु तले सदा समुत्कंठते। हाँ, कब मिलेंगे हम अपने गांव में, बहुत अच्छा समय था, पहली बार हमारा मुलाकात जहाँ उदा, जो रोमांटिक नॉवेल था उधर से महाप्रभु बोल रहे थे, उस श्लोक सुना रहे थे, जैसे कोई सन्यासी आके फिल्म की गाने सुनाए, वो क्या होगा? हाँ, तो ये क्या हो, क्या हो रहा है, कोई महाप्रभु क्या हो गया, कुछ बोल भी नहीं सकते। लेकिन स्वरूप दामोदर एक ही समझ पाते थे, और सातवें रूप को स्वयं पर समझ गए। तो रूप को स्वयं पर ने क्या किया, महाप्रभु के मन में जो चल रहा है उसको एक श्लोक के रूप में रचना करके ताड़पत्री जो है उसके नीचे रख दिया था। महाप्रभु ने श्लोक को देखा, देख के समझ गए, अरे मेरी मन की बात कैसे समझ गए, स्वरूप दामोदर को कहा, मेरी मन की बात कैसे समझ गए। तो स्वरूप दामोदर कहा कि अरे आपका कृपा मिल गया था उनको प्रयाग में, इसलिए आपकी मन की बात समझ गया। क्या चल रहा था मन की बात? सहचरी कुरुक्षेत्र मिलितस, राधा कृष्ण सहचरी कुरुक्षेत्र मिलितस। कुरुक्षेत्र में जब राधा रानी का और कृष्ण का जब उनका
मिलना हुआ, अनेकों सालों का विरह के बाद राधा कृष्ण का मिलन कहाँ हुआ? कुरुक्षेत्र में हुआ। तो उस समय राधा रानी को गोपियों को देख कृष्ण ने कहा, हे गोपियाँ रो मत, क्योंकि कुरुक्षेत्र जाते कृष्ण को गीता याद आ गया, जो रोता है उसको गीता सुनाओ। अर्जुन रो रहा था, कृष्ण सोचा गीता, इधर गोपियाँ क्या कर रही है, रो रही है, तो कृष्ण को क्या याद आया, गीता सुनाया। और कोई मिला नहीं, गोपियाँ मिले गीता सुनाने के लिए। तो कृष्ण को गीता सुनाया, हम सब मिलते हैं बिछड़ जाते हैं, तो आप लोग शरीर नहीं हो तुम आत्मा। ये राधारानी को क्रोध आ रहा है, क्या बोल रहे हो, और कोई मिला नहीं गीता सुनाने के लिए। तो राधारानी एकदम गुस्सा जब ज्यादा होता है ना, वो बहुत नम्र होता है बाहर से, अच्छा बहुत अच्छा बहुत अच्छा, इसका अर्थ क्या है, कुछ तो आग जल रहा है अंदर, पतियों को मालूम है ये बात क्या होती है। जब ज्यादा सेवा करती है ना पत्नी, बड़े ज्यादा प्रेम करती है ना, कुछ तो गड़बड़ है। अंदर आग उबल रहा है। तो राधा ने कहा, आहुष्यते नलिनावपदारविंदम योगेश्वरे हृदि विचिन्त्य मगाध बोधैः। तो ये श्लोक में राधा ने कहती है, अरे आहुष्यते नलिनावपदारविंदम, मैं सुनी हूँ कि आपके नाभि से कमल उत्पन्न होता है, नाभि कमल से कमल उत्पन्न होता है, जिस कमल के ऊपर ब्रह्मा जी प्रकट हो जाते हैं। आहुष्यते, अब बड़े हो गया अभी, जानते हो व्रज व्रज में क्या कर, तुमको बांध 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 कर रखी थी यशोदा में, सब भूल गए। अभी बड़े बड़े लोग तुम्हारा गुणगान कर रहे, तो अपने बड़ा बड़ा समझने का। आहुष्यते नलिनावपदारविंदम योगेश्वरी हृदि विचिन्त्यम, आपने क्या कहा, ध्यान करो परमात्मा के ऊपर, मेरे ऊपर ध्यान करो, उस प्रवचन में होता है ना। राधारानी कहती हैं, देखो कृष्ण, योगियाँ योगी लोग क्या करते हैं, केवल आपको हृदय में ध्यान करते हैं, लेकिन भूल गए गोपी गीत को। गोपी गीत ने हमने क्या कहा था, कृष्ण आपकी चरण कमलों को हमारे स्तनों के ऊपर रखो, लेकिन तुरंत गोपियां भयभीत हो जाती, भीता स्वने ही तदि कर्कशेषु शनि ही, धीरे से रखो क्योंकि हमारे स्तन इतने कठोर है, कृष्ण आपके चरण कमल इतने कोमल है, आपको कष्ट ना हो जाए। हम तो हमेशा आपसे इतना प्रेम में मग्न हैं, और ऐसे प्रेमी भक्तों को ध्यान करो परमात्मा के ऊपर, ऐसे बैठो आंख बंद करके। हमने ध्यान किया कृष्ण, कितना ध्यान किया मालूम है, किसके लिए ध्यान किया मालूम है, तुमको भूलने के लिए ध्यान किया, लेकिन फिर भी भूल नहीं पाए। सारे जगत में लोग आपको याद करने के लिए ध्यान करते हैं, ये फिर भी कर नहीं पाते, आपको भूलने के लिए ध्यान करते, फिर भी ऐसे भक्तों को कहते हैं कोई ध्यान करो। योगेश्वरे हृदि विचिन्त्य मगाध बोधै गेहं जुषाम आ संसार कूपपतितो तरणावलंबम। क्या कहा, संसार के कूप में डूबे हुए, संसार का सागर को पार करने के लिए मेरे चरण कमलों का आश्रय लो, आपने इसे कहा ना। लेकिन सुनो, क्या हम संसार का कूप में हैं, क्या हम जानते नहीं हो, आपने केवल बांसुरी बजाए थे तो क्या हुआ, हम सब को छोड़ के संसार को छोड़ के सब आपके शरण में आ गए हैं। ऐसे भक्तों को कहते हो, संसार का सागर को पार करने के लिए मेरे चरण का शरण लो। हमारे पास संसार कूप नहीं है, विरह कूप है, हम विरह कूप में डूबे हुए। तो कृष्ण एकदम घबरा गए, तो क्या करो फिर, तो फिर मिलन हो गया ना, मैं हूं ना तुम भी हो ना। राधारानी कहती हैं, ये तुम्हारा वेश ठीक नहीं है, ये देश भी ठीक नहीं है। तो हाथ पकड़ के राधारानी ने क्या किया, कृष्ण को खींचते हुए आपके ही जो मंदिर के बाजू में से लेके गए। ऐसा एक भक्त ने कहा, कौन प्रोजेक्ट ड्राइव कर रहे थे, उन्हें कहा, तो राधारानी ने कृष्ण को यही फरीदाबाद से खींचते हुए लेके गए, ऐसा उन्होंने कहा। यही हाईवे से हाईवे बन गया अभी। हाईवे बन गया, बोला ठीक है अच्छी बात है। वृंदावन लेके जाता वही हाईवे है, बाकी सब हेलवे है। आपका घर का रास्ता हेलवे है,
ऑफिस का रास्ता हेलवे है, सारे रास्ते हेलवे है, एक ही रास्ता हाईवे है वृंदावन का रास्ता। तो उन्होंने कहा ब्रो जी ये अभी हाईवे बन गया, मैंने सोचा यही हाईवे है बाकी सब हेलवे है। तो इसलिए रूप गोस्वामी पाद इस बात को समझ गए कि महाप्रभु के मन में 24 घंटा कौन सा लीला चल रही है, रथयात्रा की लीला चल रही है, राधा रानी कृष्ण को खींचते हुए व्रज की ओर लेके जा रही है। तो इसलिए रूप गोस्वामी पाद का चैतन्य महाप्रभु हृदय को हृदय की बात बिना बोले जानने की वजह से रूप गोस्वामी पाद लीडर बन गए। यानी सर्वश्रेष्ठ शिष्य वो है जो क्या करता है, गुरु के मन की बात को समझ लेता है। तो अच्छी पत्नी कौन है, जो बिना बोले पति देव की मन की बात समझ जाती है, पानी देती है, सब कुछ करती है। और सेकंड क्लास पत्नी कौन है, इशारे पे समझ जाती है। थर्ड क्लास कौन है, बोलने पे समझ जाती है। फोर्थ क्लास कौन है, हाँ बोलने पर भी। फिफ्थ क्लास कौन है, समझाती है। वैसे शिष्य का भी फर्स्ट क्लास शिष्य कौन है, मन की बात समझ जाते हैं, हाँ गुरु की मन की बात। सेकंड क्लास कौन है, थर्ड क्लास कौन है, बोलने। थर्ड क्लास भी बहुत अच्छा है कलयुग के लिए, कम से कम थर्ड क्लास तो रहे, कम से कम जनरल कंपार्टमेंट थर्ड क्लास तो हो जाए, एटलीस्ट भी थर्ड क्लास। हाँ तो बोलने पे ठीक है, कि थर्ड क्लास भी नहीं तो क्या करना चाहिए, फोर्थ क्लास क्या है, बोलने पर भी ना समझे, ठीक है चुपचाप रहो बोलने पर भी ना समझे। और फिफ्थ क्लास तो होना ही नहीं चाहिए। जो भी है, हर शब्द का अर्थ शब्दार्थ होता है, हर एक पद का दूसरा क्या है, भावार्थ होता है। तो एक बार पत्नी कहती है पति देव को, बस मैं के चले जाऊंगी, माँ के यहाँ जाऊंगी। पति देव कहते जाओ, गुस्सा और गुस्सा हो जाती है, आप चाहते मैं जाऊं, नहीं मैं नहीं चाहता, तुम तो बोला ना जाऊंगे, क्योंकि सब शब्दार्थ को जाना हो, उसके पीछे भावार्थ नहीं जाना था। भावार्थ ये था कुछ काम नहीं बना था, कुछ लेके नहीं आया, कुछ तो गड़बड़ था, वो है। लेकिन बोलना शब्द कुछ अलग होते हैं, अंदर भाव कुछ अलग होते हैं। इसलिए शब्दों के ऊपर मत जाओ, किसके ऊपर जाओ, भावार्थ। इसलिए प्रभुपाद जी ने क्या किया, ये शास्त्र के क्या किए, उन्होंने शब्दार्थ तो दिया लेकिन साथ साथ में क्या किया, भावार्थ दिया। श्री प्रभुपाद जी के जो ग्रंथ हैं वो उसके विषय में, खास करके भागवत के जो तात्पर्य है उसके विषय में प्रभुपाद जी ने कहा था, दे आर माई स्पिरिचुअल एक्सटेसिस, मेरे आध्यात्मिक आनंद की अनुभूतियों को मैंने तात्पर्य के रूप में मैंने अभिव्यक्त किया। मेरे क्या है, आध्यात्मिक आनंद के अनुभूतियों को प्रभुपाद ने क्या किया, अपने तात्पर्यों में अभिव्यक्त किया। I have put into writing my manifested, my spiritual ecstasies, my purports or my spiritual ecstasies. जब प्रभुपाद जी भागवत पढ़े, और खास करके भागवत के जो 12-13 आचार्यों के कमेंट्रीज पढ़े, पढ़ने के बाद प्रभुपाद ने क्या किया, उनको अनुभव किया, उसका आनंद को उन्होंने अनुभव किया, आनंद को अनुभव करके उन्होंने क्या किया, अपने तात्पर्यों के उसको अभिव्यक्त किया। जैसे माँ बच्चे को खिलाती है, कैसे खिलाती है, बड़े प्रेम से खिलाती है कि नहीं, हाँ पीछे पीछे भाग भाग के खिलाती है लेकिन बच्चे को। लेकिन प्रभुपाद जी ने माँ बच्चे को खिलाती उस प्रकार का नहीं, माँ उस बच्चे को खिलाती जो पेट में है, पेट में जो बच्चा होता है उसको माँ खिलाती, कैसे खिलाती है, खुद खाती है, हजम करती है और उसका सार जो है उस बच्चे को, बच्चे को मालूम ही नहीं पड़ता,
मैं खा रहा हूँ करके मालूम, बच्चे मालूम है कम से कम जो जन्म लेके दूध उसको मालूम है मैं दूध पी रहा हूँ, ये खा रहा हूँ, खिला रहे माँ करके। जब माँ के बच्चे गर्भ में थे उसे हमको मालूम भी नहीं है कि माँ हमको खिला रही है। तो प्रभुपाद जी के जो ग्रंथ है ना, वो सार है जो प्रभुपाद जी ने खा के भागवत को सार को पी के हजम करके सार का जो सार है उसको हमको पिला रहे हैं। कभी कुछ लोग कहते हैं प्रभु जी पढ़ते समझ में नहीं आता, पढ़ते हैं और समझ में नहीं आता। इसका अर्थ है आपने पढ़ा, अगर आपको समझ में आ गया इसका अर्थ क्या है, नहीं पढ़ा। अगर समझ में आ गया तो नहीं पढ़ा, और समझ में नहीं आया तो पढ़ा। ये मैं नहीं कहता, वेद कहता है, ये वेद कहता है। क्या कहता मालूम है, यस्य मतम अमतम मतम मतम अमतम मतम। यस्य मतम, जो कहता है कि मैं जानता हूं वो अमतम, वो नहीं जानता। अमतम, जो कहता है मुझे नहीं मालूम है, पता नहीं लग रहा है, तो वो मतम, वो जानता है। कोई कहता है प्रभु जी मेरा गीता हो गया, इसका अर्थ क्या है, हो गया। तो इसने कहा प्रभु जी मेरा भागवतम फिनिश हो गया, अभी क्या करूं। मैंने कहा भागवतम फिनिश नहीं हुआ, तुम फिनिश हो गए। भागवतम कैसे फिनिश हो सकता है भाई, भागवतम कृष्ण है, अनंत है, कहीं फिनिश नहीं होगा वो। तो इसलिए ये जो भागवत है, शास्त्र है, उसको आप जब पढ़ोगे आपको समझ में नहीं आएगा। आप ग्रंथ पढ़ोगे समझ में नहीं आएगा, लेकिन पढ़ते पढ़ते जाओगे आपको पता नहीं कि कब समझ में आ गया। आप बार बार पढ़ते जाओगे आपको पता भी नहीं है कि आपको इतना ज्ञान हो गया। हाँ, इसलिए मैं पंडरपुर में बात कह रहा था ना, कोई भी भक्त प्रभुपाद जी ग्रंथ पढ़ता है ना, 6 महीना पढ़ा बस, 2-3 कोर्स अटेंड किया, बाद में कहीं उसको बुक डिस्ट्रीब्यूशन में डाल दिया, कहीं उसको प्रवचन देने के लिए बोल दिया, या कुछ 10 मिनट कुछ बोलने के लिए बोल दिया, सबको सुनाएगा, सुना के बोलता एनी क्वेश्चंस, कोई प्रश्न पूछ, क्या कॉन्फिडेंस देखो। हाँ, कितना बुक डिस्ट्रीब्यूशन में जाते हैं, इसके अंदर सारे प्रश्नों का जवाब है, आप पूछिए कोई प्रश्न। क्या कॉन्फिडेंस है, ये कहाँ से आया आपको। भक्ति शास्त्र में बैठोगे सब चुप हो जाते हैं, सब लल्लू, कुछ नहीं, क्या हो, एक क्या पढ़ो, क्या हो रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। हाँ, लेकिन बाहर देखो एकदम, क्या शेर के वहाँ पे एकदम, क्या क्वेश्चंस, क्या पूछो, हम उद्धार करने के लिए अभी आपको भगवत धाम लेके जाएंगे। क्या इसके पीछे रहस्य क्या मालूम है, आपने पढ़ा, प्रभुपाद जी गीता पढ़ा, वो भावार्थ प्रभुपाद जी ने क्या किया, सुभक्ति भावार्थ, उस भावार्थ को ऐसा हमको पिला देते हैं हमको पता भी नहीं लगता। हाँ, जैसे डॉक्टर जो है बातों में बच्चे को दवाई दे देते, इंजेक्शन दे देते ना, पता भी नहीं लगता। तो वैसे ही हमको पता भी नहीं लगता कि आप गीता पढ़ते करते, भागवत पढ़ते पढ़ने के समय कुछ समझ में नहीं आता, लेकिन 1-2 साल ऐसे पढ़ते पढ़ते जाएंगे तो इतना सारा आपको ज्ञान हो जाता है। आपने किसी रिलेटिव से मिले या आपको फ्रेंड से मिले 2-3 साल के बाद मिले, बोले अरे इतना जितना ज्ञान हो गया, आप तो पंडित हो गया, आप बोलना शुरू करते हैं, ये तो इतना कहाँ से जान लिया भाई, ये प्रैक्टिकल इफेक्ट है। क्यों, और हमको मालूम है, हमको कितना मालूम है। कोई व्यक्ति प्रवचन हो गया, मेरा एक बार वो आके मैं प्रणाम किया, रो रहा था, बोले क्या हो गया, बोल जी आपका प्रवचन सुना मैं बहुत दुखी हो गया, मैं आपको इतना दुखी है, मैं तो आप रात तो माफ़ कर देना मैं। तो बाद में हमने कहा प्रभु जी मैं इतना कॉन्फिडेंस था ना आपका, क्लास के पहले मैं सोचता था कि मैं सब जानता हूँ।
मेरा सारा कॉन्फिडेंस टूट गया. मैं बोला इसका मतलब यह है कि मैं प्रवचन देना बंद कर दूं मैं. तो बात ऐसा नहीं है. बात वो है कि हमको मालूम है हम कौन हैं, लेकिन साथ साथ में हमको मालूम है प्रभुपाद जी कौन है और उन्हें हमको क्या दिया. अयोग्य होने पर भी हमको उन्होंने अपने ग्रंथ दिए. इससे कहा गया कृपा उपहार कृपोपहार स्तोत्र सुभक्ति भावार्थ. शुद्ध भक्ति के भाव के जो अर्थ है उनको प्रकाशित किया. इसे प्रभुपाद जी जो ग्रंथ हैं उनके परपोर्ट्स है अंत में जब अध्याय पूर्ण होता है उस समय दस एंड्स द भक्ति वेदांत परपोर्ट्स. भक्ति वेदांत परपोर्ट्स का अर्थ क्या है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ भक्ति वेदांत परपोर्ट्स? भक्ति वेदांत परपोर्ट, परपोर्ट मतलब टीकाएं इनके भाष्य. तो उसके अर्थ क्या है भक्ति वेदांत परपोर्ट्स? तो कोई कह सकता है प्रभुपाद जी का टाइटल है भक्ति वेदांत और उनके द्वारा लिखित तात्पर्य है. ये तो ये शब्दार्थ हुआ. लेकिन उसका भावार्थ क्या है कि भक्ति ही वेदों का अंत है. इस बात को निरूपण करने वाले तात्पर्य है दोस परपोर्ट्स इज एस्टैब्लिश्ड दैट भक्ति इज द कंक्लूजन ऑफ वेद. क्या कहा मैंने? वो तात्पर्य जिसके अंदर भक्ति ही वेद का अंत है इस बात को स्थापना करने वाले तात्पर्य है. इसलिए आप गीता अगर पढ़े होंगे या कुछ लोग इस प्रकार का आरोप भी डालते हैं प्रभुपाद जी के ऊपर. तीसरा अध्याय का नाम क्या है? लेकिन प्रभुपाद का अनुवाद मेरे ख्याल ए डिवोटी इन कृष्ण कॉन्शियसनेस. छठा अध्याय का नाम क्या है? ध्यान. उसके भी क्या लिखा रहे थे? ए डिवोटी इन कृष्ण कॉन्शियसनेस. उधर बात चल रहा है उधर किसका? ध्यान योग का. और प्रभुपाद का अनुवाद में क्या कहते हैं? डिवोटी. हर जगह भक्ति भक्ति है. क्या है भाई? हाँ कर्मयोग है. कर्मयोग के बारे में बात करना चाहिए. भक्ति क्या और क्यों कह रहे? हाँ चाहे कर्मयोग हो ज्ञान योग हो भक्ति योग हो या अष्टांग योग हो हर जगह योग शब्द है. योग शब्द का अर्थ क्या है? कृष्ण से जुड़ना. जहाँ कृष्ण के साथ जुड़ने की बात है वो क्या भक्ति है? वो भक्ति है. तो हरेक लाइन हरेक शब्द हरे भागवत गीता की बात तो छोड़िए. प्रभुपाद जी को अगर न्यूज़पेपर भी दे देंगे ना उसका हेडलाइन के ऊपर प्रवचन देंगे वो भी भक्ति वेदांत परपोर्ट्स रहेगा. हाँ वो भी भक्ति वेदांत परपोर्ट्स रहेगा. कोई भी आप न्यूज़पेपर लेके आइए उसका हेडलाइन सुना दीजिए उसके ऊपर एक घंटा प्रवचन और हर चीज़ को जो भी कहा उन्होंने भक्ति के संबंध में कहे और सब कुछ वो टॉपिक के ऊपर ही रहेगा. इसको भक्ति वेदांत परपोर्ट्स कहा गया है. भक्ति से उत्प्रोत है. तो सुभक्ति भावार्थ सुधाभिवर्षिणम. प्रभुपाद जी ग्रंथ पढ़ोगे तो स्वाभाविक तरीके से शुद्ध भक्ति का जो भावार्थ है उसकी जो सुधा है उसके द्वारा आप प्लावित होंगे. जैसे बारिश में खड़े रहोगे तो क्या होगा? गीले होंगे, पूरा शरीर भीग जाओगे. उसी के जैसे प्रभुपाद जी ग्रंथों को पढ़ते पढ़ते जाओगे शुद्ध भक्ति का जो अमृत की धारा से हम क्या होंगे? गीले हो जाएंगे, पूरा भीग जाएंगे, आप प्लावित होंगे. भवन मनो महोदार कृपा स्वरूपिणम. महा महो महोदार उदार बड़े उदार है. खास करके रूपा जी आप भवन महोदार कृपा स्वरूपिणम. कृपा का मूर्तिमान स्वरूप है. परंपरा ज्ञानम रविम नमाम्यहम. परंपरा ज्ञानम रविम. परंपरा ज्ञान का रवि है. पहला तो बादल के समान तुलना किया प्रभुपाद जी ग्रंथों को अभिवर्षणम सुधाभिवर्षणम. और तीसरे लाइन में किसका किसके साथ तुलना किया? किसका? सूर्य के साथ. अभी बहुत सुंदर है सूर्य और बादल के बीच संबंध क्या है? सूर्य और बादल के बीच संबंध क्या है? सूर्य क्या करता है? वो सागर का जो जल है उस जल को पी लेता है और क्या बनाता है? बादल बनाता है. और बादल हमको क्या देता है? वही जल देता है.
उस जल में, बादल के जल में और समुन्द्र के जल में अंतर क्या है? आपको प्यास लगा, समुन्द्र के पास जाकर पियो, जितना पीना है पियो, पियोगे? फिर वही जल बादल के रूप में परिवर्तित हो गए, आपको बारिश बरसाता है तो उसको पियोगे। हाँ, अगर मैं आपको रामानुजाचार्य का टीका दे दूं, मध्वाचार्य का टीका दे दूं, श्री विश्वनाथ ठाकुर का टीका दे दूं, चलो वेदांत सूत्र दे देता हूं चारों आचार्यों का, चलो वो आपके लिए समुद्र के समान है कि नहीं? उसको पार कर पाओगे? तो प्रभुपाद जी का क्या हुआ, वो रवि जैसे है, रवि मतलब तो ये जो ग्रंथ है पूर्वज आचार्य परंपरा ज्ञानम, वो ग्रंथ जिसका नाम मैंने लिया, वो हमारे लिए क्या है? समुद्र। प्रभुपाद ने क्या किया, उधर से बादल बनाया और उस बादल को हमको बरसाया। क्या बादल है? वो उनके ग्रंथ है। इसलिए आप ये ग्रंथ में इसका नाम लिया, अगर मैं आपको दे दूंगा आपके लिए सागर के समान है, आपके लिए कोई काम का नहीं है। वो है जब जल है, ऐसा नहीं कि जल नहीं हो, आपके लिए कोई कर नहीं सकते, पार नहीं कर सकते आप। और वही चीज हमको प्रभुपाद जी के ग्रंथ के रूप में जो मिलता है उसको हम उसका आनंद ले सकते हैं, उसको पान कर सकते हैं। ऐसा अद्भुत कार्य किया श्री प्रभुपाद ने, कहा कि द प्रीवियस आचार्य रोट बुक्स फॉर मी एंड आई एम राइटिंग फॉर यू। पूर्वज आचार्य जो है उन्होंने ग्रंथ पढ़ा, वो ग्रंथ जो है मेरे लिए लिखे, मैं आपके लिए लिख रहा हूं। तो एक बार किसी ने कहा कि प्रभु जी आप पूर्वज आचार्यों के कोटेशंस बहुत देते हो, तो क्या कुछ उधर एक्स्ट्रा है क्या, कुछ ऐसा कुछ है क्या? मैंने कहा मैं इसलिए पढ़ता हूँ उन सारे चीज़ों को ताकि मैं भक्ति शास्त्री भक्ति वो बताऊँगा प्रभुपाद जी ग्रंथों के ऊपर, ये निर्धारित करके बताऊँगा ये सब जो है प्रभुपाद जी ने हमको ऐसा प्रदान किया जैसे हम उसको हजम कर सकते हैं। जैसे माँ क्या करती है, हाँ वो खाएगी छोले भटूरे, आपके सब फेवरेट है, हाँ राजमा पनीर ये सब खाएगी, और पेट में जो शिशु है क्या खिलाएगी उसको, उसका सार खिलाएगी, है कि नहीं? वो बच्चा पेट में जो बच्चा है वो पनीर हजम नहीं कर सकता, ये माँ कर सकती है। तो प्रभुपाद ने क्या किया, हजम किया, उसका सार निकाल के हमको दिया। तो उसी प्रकार इधर परंपरा ज्ञान रविम नमाम्यहम सुशास्त्र राशिम प्रभुपाद ते कृतम इसलिए, ऐसे जो सुशास्त्र राशि प्रभुपाद के द्वारा लिखा हुआ उनको मैं प्रणाम करता हूँ। तो दूसरा श्लोक जाएंगे, ठीक है। महाप्रभु प्रेम सुदेक संप्लुतम महाप्रभु प्रेम सुदेक संपुटम महाप्रभु प्रेम सुदेक संपुटम महांतरूपाद्युपदेज संवृतम महांतरूपाद्युपदेश संवृतम नमामि सिद्धांत मनोरथ पूर्णम नमामि सिद्धांत मनोरथ पूर्णम सुशास्त्र राशिं प्रभुपाद ते कृतम सुशास्त्र राशिं प्रभुपाद ते कृतम। महाप्रभु प्रेम सुधैक संपुटम, महाप्रभु का प्रेम का सुधा एक संपुटम, ये पूरे प्रभुपाद जो ग्रंथ है में वो क्या है, श्री चैतन्य महाप्रभु का जो प्रेम का जो सुधा है उसका संपुटम। तो प्रभुपाद ग्रंथ अगर खोल के देखोगे हर चीज में चैतन्य महाप्रभु का सिद्धांत जो है वो स्पष्ट रूप में उभर के प्रकट होता है। चैतन्य महाप्रभु का सिद्धांत गौड़ीय धारा, गौड़ीय धारा ऐसी धारा है, ऐसी वैष्णव धारा है
उसकी सिद्धांत को अगर पढ़ने जाओगे चित्ते पावे चमत्कार, चमत्कृत हो जाओगे, आश्चर्यचकित हो जाओगे। महाप्रभु दक्षिण भारत में गए, मधु संप्रदाय के हेडक्वार्टर उडुपी गए और श्री संप्रदाय के हेडक्वार्टर कहाँ श्रीरंगम गए। उधर जाके जब गौड़िया धारा का जो प्रेम की महिमा को उन्होंने प्रकाशित किया दक्षिण भारत में, सभी लोग आश्चर्यचकित हो गए। ऐसा प्रेम का जो प्रवाह है दक्षिण भारत में आज तक कोई लेके देखे नहीं थे। तो महाप्रभु का स्वरूप को दर्शन करने मात्र सभी लोग वैष्णव बन गए, सभी तीर्थ स्थान महातीर्थ स्थान बन गए। तो उनके ग्रंथ में महाप्रभु प्रेम सुधैक संपुटम, चैतन्य महाप्रभु का प्रेम जो है अगर प्राप्त करना है तो चैतन्य महाप्रभु के पास जाओ तो नहीं मिलेगा। कृष्ण प्रेम प्राप्त करना है तो कृष्ण के पास जाओ मिलेगा, हे कृष्ण कृष्ण प्रेम दो, कहेंगे कृष्ण मेरे पास नहीं है। क्यों नहीं है? मैं भी ढूंढ रहा हूं कहाँ है। मैं भी चाहता हूं कृष्ण प्रेम कहाँ है वो ढूंढ रहा हूं, क्योंकि आपका प्रेम आपके पास नहीं है, जो आपसे प्रेम करता है उसके पास है। तो कृष्ण प्रेम किसके पास है? राधारानी के पास है, राधारानी के हृदय में है। इसलिए कृष्ण चोर है, उनका नाम क्या है? हरि। हरि मतलब क्या है? जो चुराता है, जो चुराता है उसको हरि कहा गया। कृष्ण ने मक्खन चोरी किया फिर भी संतुष्ट नहीं है, गोपियों के वस्त्र चोरी किया फिर भी संतुष्ट नहीं हुए, गोपियों और भक्तों का हृदय चोरी किया फिर भी संतुष्ट नहीं हुए। तो सोचा कि ये सारे भक्त जिसके पीछे पड़े हुए हैं कृष्ण प्रेम कहाँ है? वो राधारानी के हृदय में है। इसलिए कृष्ण ने क्या किया? राधारानी के हृदय में डाइव किया और उसको कृष्ण प्रेम जो राधारानी के हृदय में छुपा हुआ है उसको अपना लिया। तो क्या बन गए? वो चैतन्य महाप्रभु बन गए। तो महाप्रभु तो कृष्ण प्रेम राधारानी के हृदय में, तो कृष्ण प्रेम को लेके चैतन्य महाप्रभु रूप में आए। कृष्ण कहाँ आए? आपको कृष्ण प्रेम देने के लिए आए। और महाप्रभु, महाप्रभु के पास जाके पूछो कि महाप्रभु चैतन्य महाप्रभु आप अपना प्रेम दीजिए, आपका कृपा दीजिए, आपका प्रेम दीजिए। तो महाप्रभु ने कहा मेरा प्रेम मेरे पास नहीं है। तो किसके पास है वो? कहाँ छुपा हुआ है वो? है आचार्य के पास जाओ, प्रभुपाद जी के पास जाओ। ठेका दे दिया, कौन बड़ा फैक्ट्री है, कपड़े का फैक्ट्री है। उधर जाके बोला मैं पैसा देता हूँ कपड़ा, तो कोई देगा? बोला कि हमने एक डीलर रख दिया, डीलर के पास जाओ। तो वैसे ही कृष्ण ने क्या किया? अपनी कृपा उसका ठेका जो है प्रभुपाद जी को दे दिया। इसे प्रभुपाद जी को क्या बोलते हैं हम लोग? कृष्ण कृपा श्री मूर्ति, कृष्ण के कृपा के मूर्तिमान स्वरूप है। तो कृष्ण के पास जाओगे कृष्ण की कृपा नहीं मिलेगी, उनके पास जाना पड़ेगा। उसी प्रकार महाप्रभु का जो प्रेम है, महाप्रभु प्रेम सुधा, वो कहाँ छुपा हुआ है? वो ग्रंथों में है। आचार्य का ग्रंथ ही उनकी वास्तविक कृपा है और भगवान का कृपा जो है उनका प्रेम जो उस ग्रंथों में छुपा हुआ है। एक बार जू मैं प्रवचन सुन रहा था ही सुरेंद्र भक्ति विकास महाराज स्वामी महाराज का, प्रवचन हो गया, मैं उनके पास नज़दीक में जाके जरा ऐसे बैठ के उनके पास महाराज प्रणाम किया। मैं ऐसे निमंत्रण दे रहा था आप मीरा रोड भी आइए। उस समय एक शिष्य भागते भागते आया, दंडवत प्रणाम किया, हाँप रहा था, परसीना छूट रहा था। तो उन्होंने कहा महाराज जी प्लीज़ शो योर मर्सी, कृपा कीजिए। तो महाराज ने उनको देखा, मर्सी इज़ ओवर, कृपा ख़त्म हो गया। जब शिष्य भाग भाग के आता है, दंडवत करता है गुरु के पास आके, और गुरु बोलते कृपा ख़त्म हो गया, तो कितना दुख लगता होगा देखो, वो घबरा गया। तो महाराज मर्सी ख़त्म ओवर, तो मैं समझ गया क्या बोल रहे हैं। तो मुझे देखे उनका स्टाइल होता है, ऐसे बोल स्टाइल से बोल। तो अभी मैं क्या बोलूँ, गुरु का उनका शिष्य है, उनको क्या समझाऊँ मैं। मैं थोड़ा सा उनके पास गया, थोड़ा सा साइड में लेके गया, मैंने कहा प्रभु क्लास ख़त्म हो गया है, कृपा ख़त्म होने का अर्थ क्या है?
क्लास खत्म हो गया, आप लेट आए हो क्लास में, इसका अर्थ क्या है? कृपा खत्म हो गई। यानी गुरु के द्वारा दिया गया जो ज्ञान है ना, वही वास्तविक कृपा है। तो प्रभुपाद जी जो कृपा है ना, प्रभुपाद जी कृपा करो कृपा करो कृपा करो, बुक स्टॉल में जाओ उधर है कृपा, उधर है। तो गुरु जी का जो ज्ञान है ना, महाप्रभु प्रेम सुदैक संपुटम महांतरूपाद्युपदेश संपुटम, महांत रूपादि जितने भी आचार्य हुए, रूप गोस्वामी षड गोस्वामी हुए, इन सब के जो उपदेश हैं उनका समृतम, उनका सार निकाल के प्रभुपाद के नमामि सिद्धांत मनोरथ पूर्णम, सिद्धांत का मनोरथ। कोई भी तत्व का कोई भी प्रश्न मन में आते, किसी भी प्रकार का आपका संदेह आता है, तो उसको पूर्ण करने की क्षमता उन ग्रंथों में है, खास करके छोटे ग्रंथ में है, छोटे छोटे ग्रंथ है ना, उसको पढ़ लो, आपके मन में जितने भी संशय है वो अपने आप पूर्ण होता है। हमने स्वयं अनुभव किया, जब प्रभुपाद के छोटे छोटे ग्रंथ पढ़ रहे थे शुरुआत में, उस समय जैसे मन में कोई संशय आया, उस संशय का निराकरण अगले लाइन में प्राप्त होता है। जैसे मन में संशय आया, तुरंत उसका निराकरण अगले लाइन में प्राप्त होता है। ऐसा होते होते ऐसा हो गया एक दो साल में, जब उनके किताब पढ़ते पढ़ते जाऊंगा ना, एक लाइन पढ़ा तो अगले एक लाइन में क्या लिखने वाले पते पता लग जाता था। इफेक्ट है हा? तो इतना अद्भुत चीज है वो, यानी आपके माइंड में सॉफ्टवेयर जैसा हो गया, सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होता है ना, उसी प्रकार काम करता है। वैसे प्रभुपाद ग्रंथ है ना, तो हमारे जीवन के लिए हमारे मन के लिए सॉफ्टवेयर की जैसा है। आप पढ़ते जाओ बढ़ते जाओ, जैसे पढ़ते जाओगे आपके मन में संशय है तुरंत निराकरण प्राप्त होगा, संशय है तुरंत निराकरण प्राप्त होगा, ऐसा सेटअप होगा, ऐसा सुंदर होगा, तो अपने आप जो है आपको प्रिडिक्ट कर पाओगे अगली बार क्या होने वाला है, अगली लाइन में क्या आने वाला है। नमामि सिद्धांत मनोरथ पूर्णम, हर प्रकार के सिद्धांत का मनोरथ है, उसको पूर्ण करने की क्षमता उसमें है। राकी श्लोक करेंगे, तीसरा श्लोक। तमोन्दकानाम् अखिलो मनस्विनाम्, तमोन्दकानाम् अखिलो मनस्विनाम्, हिते रतोयं कृपया महामुनिः, हिते रतोयं कृपया महामुनिः, पुरा पुराणानि यथा नमामितम्, पुरा पुराणानि यथा नमामितम्, सुशास्त्रराशिं प्रभुपादते कृतम्, सुशास्त्रराशिं प्रभुपादते कृतम्। तभी चर्चा हो रही थी प्रभु जी से, तूने कहा प्रभु जी भागवत जो है ना बहुत हाई लेवल है ना, क्योंकि दूसरे श्लोक में कहा क्या कहा गया, धर्म प्रोजित कैतवोत्र वरमो निर्मत्सराणाम सताम वेद्यम। ये भागवत किसके लिए मालूम है? निर्मत्सर लोगों के लिए है, जिसके हृदय में जरा सा मत्सरता ईर्षा द्वेष चलन नामक कोई चीज है ही नहीं। ये सुन के ऐसा लगता है कि कैसे, सेकंड श्लोक में भी हमको अयोग्य बना दिया, बंद कर दो अभी हमारे लिए नहीं, छोड़ दो। लेकिन वही भागवत का दूसरा शुरुआत है, दूसरे अध्याय में दूसरा शुरुआत है। पहला अध्याय क्या है? नैमिषारण्य ऋषियों का प्रश्न, छह प्रश्न पूछे। दूसरे अध्याय में सुतगो स्वयंपाद उनके गुरु को स्तुति करते हैं। सुत गोस्वामी का गुरु कौन है? सुखदेव गोस्वामी। सुखदेव गोस्वामी को प्रणाम मंत्र में दो प्रणाम मंत्र हैं, यम प्रवजन्तमनपेतमपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातराजु हावा पुत्रेति तन्मयतया तरोभिनेदुस्तं सर्वभूत हृदयं मुनिमानथोऽस्मिन् यः स्वानुभावमखिल श्रुतिसारमेकं अध्यात्मदीपमतितीर्षितां तमोन्धम
संसारिणाम करुणया करुणया पुराण गुह्यम तम व्यास सोनुपयामि गुरु मुनिनाम। ये दूसरे श्लोक में सुत गोस्वामी पाद कहते मेरे गुरु जी सुखदेव गोस्वामी ने क्या किया, यह स्वानुभाव अखिल श्रुति सार, सारे श्रुति के सार को अनुभव करके, श्रुति सार अखिल श्रुति सार एकम अध्यात्म दीप दीर्षाम तमोन्धम, ये अंधकार में डूबे हुए, अंधकार में जो डूबे हुए लोग हैं, तमो अंधका नाम जो शब्द आए श्लोक में, उस श्लोक में प्राप्त होता है। कहाँ? भागवत का प्रथम स्कंद का दूसरा अध्याय का तीसरा श्लोक में प्राप्त होता है। संसारिणाम करुणया आहा, मतलब बोले किसके लिए, संसारियों के लिए कहें। वैसे भागवत किसके लिए है, केवल और केवल शुद्ध परमहंसों के लिए है, लेकिन सुखदेव गोस्वामी के करुणा से वो किसके लिए हुआ, संसारियों के लिए प्राप्त हो गया। जैसे नारद व्यास संवाद में भी व्यासदेव कहते हैं, नारद आप जो कह रहे हो मुझे ग्रंथ लिखने के लिए, ऐसा ग्रंथ को लिखूंगा ना जिसके अंदर केवल शुद्ध भक्ति हो, कोई पढ़ेगा नहीं। कभी कभी लोग मुझे बोलते हैं, प्रभु जी आप ना कुछ मसाला जोक्स कथा सुनाइए, आप केवल गीता कर बोलोगे कौन आएगा। व्यास जी ने भी ऐसे कहा, किसको, नारद जी को, अगर ऐसा ग्रंथ का रचना करूंगा जिसके अंदर कोई मिर्च मसाला नहीं है, केवल शुद्ध भक्ति है, इतने लंबे लंबे प्रार्थनाएं, जब प्रार्थना प्रारंभ होता है तो प्रभु जी क्लास दोगे, नहीं नहीं मैं तुम दो क्लास देना मुश्किल होता है, बोला हुआ चीज तो कैसे कौन सुनेगा, केवल दो चार लोग सुनेंगे। इसलिए आप ब्रिज पीचिंग करो, आप कुछ कॉर्पोरेट पीचिंग करो, आप कुछ लाइफ स्टाइल के बारे में बताओ, कुछ योगा करो, कुछ ऐसा कुछ कुछ तो जिम्नास्टिक करो ताकि लोग इकट्ठा होंगे तभी आप प्रचार कर पाओगे। सब व्यास देव का भी यही समस्या थी, तो उन्होंने नारद जी से प्रश्न पूछा, तब नारद जी ने कहा चिंता मत करो, स्यात् अर्हति विचेष्टितुम विभो, हे विभो ये जो विचक्षण बुद्धिमान लोग उसको पढ़ेंगे, भले ही दो चार ही लोग रहेंगे वो पढ़ेंगे उसको, और साथ साथ में क्या करेंगे मालूम है, वो उस भागवत को आस्वादन करके इतना आनंद को अनुभव करके उस आनंद को अभिव्यक्त कर अपनी वाणी के द्वारा उस समय क्या अनात्मनहा, अनात्मना मतलब जो भौतिक संसार में डूबे जिसका बुद्धि इतना नहीं है, मूर्ख हो चुके हैं, भौतिकता में लगे हुए, वो लोग भी देखेंगे, क्या देखेंगे उनको समझ में नहीं आएगा, लेकिन फिर भी आपका जो आनंद की अनुभूति है उस आनंद की अनुभूति को देख के वो भी भागवत का श्रवण करेंगे। उसी बात को इधर कहा गया है, कैसे, तमोअंधका नाम अखिलो मनस्वी नाम, दो प्रकार के लोगों का वर्णन हुआ, ये क्या है, तमोअंधका नाम तमस अंधकार में डूबे हुए लोग हैं, और दूसरा कौन है, मनस्वी नाम बड़े बुद्धिमान लोग हैं, हिते उन दोनों का हित के लिए। जैसे भागवत भी दूसरा श्लोक में क्या आया शब्द, निर्मत्सराणाम, दूसरा अध्याय का तीसरा श्लोक में क्या आया, हाँ संसारिणाम, वही शब्द सर, तमोअंधका नाम मनस्वी नाम, व्यासदेव के प्रसंग में क्या आया है, हाँ अनात्मना शब्द आया, और विचक्षण है शब्द आया, महाराज व्यास समाज पांचवें अध्याय में आता है, हिते इन दोनों लोगों के हित के लिए है, हिते रतोयम कृपया महामुने, महामुने कौन, महामुनि कौन है, व्यासदेव। तो व्यासदेव ने इन दोनों का हित के लिए जो भागवत का रचना किया, पुरा पुराणानि यथा नमामितम, उसी प्रकार प्रभुपाद जी ने यथा शब्द के द्वारा, जैसे व्यासदेव ने दो प्रकार के लोगों को हित के लिए भागवत की रचना किया, उसी प्रकार प्रभुपाद ने दो प्रकार के लोगों को हित के लिए किया। क्या दो प्रकार के लोग कौन है, तमोअंधका नाम, दूसरा मनस्वी नाम। इससे बड़े बुद्धिमान के लिए भी है जो आत्मसेवीय हैं उन लोगों के लिए भी, और साथ साथ में संसारियों के लिए भी है। ऐसे सुशास्त्र राशिम प्रभुपाद, सबसे बुद्धिमान से बुद्धिमान व्यक्ति भी वो भी, क्या अद्भुत ग्रंथ है,
और रास्ते में जो है जिसको भी दो पढ़ क्या रहे, बहुत अद्भुत ग्रंथ है दोनों के लिए। वैसे ये जो श्लोक का मैंने वर्णन किया अभी तीन श्लोक का, वैसे कितने श्लोक है मालूम है? 20 श्लोक है, ठीक है। गोपेश्वर को इसके ऊपर आगे बढ़ाएंगे आपके आगे आगे की क्लासों में। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। कोई प्रश्न है? नहीं, क्वेश्चंस? हरे कृष्णा प्रभु जी, थैंक यू वेरी मच फॉर योर वंडरफुल क्लास। प्रश्न ये है कि जब हम रीडिंग करते हैं तो मन में भाव रहता है कि थोड़ा स्पीड से पढ़ें, नहीं तो बहुत पीछे रह जाएगी रीडिंग, और फिर इस चक्कर में भावार्थ जो है वो स्किप होने का बहुत चांस रहता है। तो ऐसी मनो मतलब अपने ऐसे थॉट प्रोसेस को कैसे हम चेंज कर सकते हैं? अगर मैं आज स्पीड में 20 श्लोक बोल देता तो है कि नहीं? तीन चीज़ें कहीं स्पीड से मत करना, आराम से करना, मज़े से करना। हाँ, कुछ ऐसी चीज़ें, एक पहला भोजन, पहला क्या है? जब कोई किसी घर में जाते हैं ना तो क्या बोलते हैं? आराम से खाओ बोलते ना, क्योंकि आप जल्दी जल्दी खाओगे, स्पीड में खाओगे, अंदर जगह अटक जाएगा, वो लेट होगा, उधर उधर लेट होगा। आप जितना स्पीड खाओगे अंदर उतना स्लो होगा। हाँ, समझ गए होंगे, वही समस्या आजकल है कि नहीं? कहीं भी जाओ, किससे भी पूछो, प्रभु जी पेट साफ नहीं होता, सबका प्रॉब्लम है। हाँ, सबका कॉमन प्रॉब्लम है। हाजमोला लेके, क्या क्या लेके, चूरण लेके हालत खराब कर देते पेट का। हाँ, ठूस ठूस के खाएंगे और उसके ऊपर बनाएंगे क्या, और बीमार पड़ेंगे। तो जितना स्लो चबा के खाओगे, जैसे गाय, गाय को कभी भी कॉन्स्टिपेशन नहीं होता, इसलिए उसका गोबर श्रेष्ठ है। क्यों, क्या करता है गाय? ले लेता है, बाद में वापस उसको चरण करता है। इसलिए भागवत के आखिरी मंगलाचरण के श्लोकों में कहा गया है, क्या कहा गया है? श्रीमद्भागवतम प्रमाणममलम पुराणममलम यद्वैष्णवानां प्रियं यस्मिन् पारमहंस्यं ज्ञानं परं गीयते तत्र विराग भक्ति सहितं नैष्कर्म्यमाविष्कृतं तच्छृण्वन् सुपटन् विचारणपरो भक्त्या विमुच्येन्नरः। तच्छृण्वन्, सुनो, जैसे आप सुने, सुनने के बाद क्या करो? सुपठन, खाली पठन नहीं, क्या है? सुपठन, शांति से अच्छी तरह से पढ़ो। एक श्लोक पढ़ो 10 बार पढ़ो, एक श्लोक पढ़ो 10 बार पढ़ो, और उसका वर्ड टू वर्ड मीनिंग 15 बार पढ़ो, उसका अनुवाद 20 बार पढ़ो, उसका तात्पर्य 108 बार पढ़ो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, है कि नहीं? कोई भी आप भागवत पढ़ रहे हो, खत्म करो नहीं तो शूट कर दूंगा, कोई कहा है क्या ऐसा? कोई कहा खत्म करो नहीं तो मार दूं? वो आपके स्कूल में होता है, कॉलेज में होता है, खत्म करो, टीचर के ऊपर है, खत्म करो, सिलेबस दे तो फायर, खत्म करो। खत्म करने वाली क्या बात है भाई, खत्म करना क्या है? हमारी भाषा इतना ऐसा दुर्गति पे आ गया है, चाहे वो हिंदी भाषा हो, चाहे वो अंग्रेजी भाषा, आजकल की शब्दों में ही इतनी दुष्टता आ गई, पूछो मत। ऐसे ऐसे शब्द हैं हम प्रयोग करते हैं, खास करके अंग्रेजी में, तो पूछो मत। ऐसे शब्द प्रयोग करते हैं, कुछ दिन पहले मेरठ में क्लास दिया था, तो सामाजिक प्रसंग था विवाह का, तो उस प्रसंग में कुछ ऐसे शब्द आए थे गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का,
तो किसी ने मुझे कहा था कुछ दिन पहले, कोई मिला रोजी, उसने मुझे डंप किया ये डंप क्या होता है, हम तो कचरे को डंप करते हैं तो मैं आपको मालूम नहीं क्या है, जब दो लोगों से प्रेम होता है ना, बाद में पता लगता है ये कचरा है उसको डंप किया जाता है क्या शब्द है देखो, हाँ मतलब आपको एक साल लगा पता लगने के लिए कचरा है करके तो ऐसे ही शब्द है, बहुत है, बहुत प्रकार के शब्द है। तो हमको थोड़ा खत्म करने की बात मत सोचो, ये खत्म हो गया, भागवत खत्म करने वाली चीज़ नहीं है, उसको सेवा करने वाली चीज़, नित्यम भागवत सेवया, सेवा अच्छी तरह से करो, प्रसाद सेवया, प्रसाद सेवा मंत्र है ना, उसको अच्छी से सेवा करो। क्या ज़्यादा खा लिया, ज़्यादा खाने से ज़्यादा शक्ति मिलता है क्या? रोजी मैं खाली दो चपाती दिया कम शक्ति मिला, चार खाऊंगा ना डबल शक्ति होगा, आठ खाऊंगा तो हाँ अरे बोलने की लायक नहीं होगा बड़ा रहेगा क्वांटिटी डजंट मैटर, क्वांटिफाइंग स्पिरिचुअलिटी इज मटेरियलिस्टिक अप्रोच, क्योंकि स्पिरिचुअल चीज़ को क्वांटिफाई नहीं कर सकते, क्वांटिटी वाली चीज़ है, क्वालिटी वाली चीज़ है कि नहीं। तब तुरंत कोई प्रश्न पूछेगा रोजी 16 माला करना अच्छा है, एक माला बड़ा अच्छा करना है अच्छा हाँ हाँ एक माला बड़ा अच्छा से करूँगा, या वो क्या 16 माला करो, कौन सा बेटर है? हाँ मैंने कहा वो दोनों बेटर नहीं है, क्योंकि जब आप एक माला कर रहे हो आपका मन अच्छा करने में है, अच्छा करने में है, इसका अर्थ क्या है, आपको और जप करने की इच्छा नहीं, और जप करने की इच्छा नहीं है तो क्वालिटी खत्म हो गया है कि नहीं। तो इन स्पिरिचुअल साइंस क्वांटिटी इज सेकेंडरी, क्वालिटी इज प्राइमरी, प्राइमरी क्वालिटी है। तो आप क्या करो, भागवत को बड़े शांति से पढ़ो, भोजन में, भजन में, हाँ, और तीसरा क्या है, तीसरा चीज़ है वो हमारे जीवन में कोई जल्दबाजी मत करना, भोजन में, भजन में, संबंधों में जल्दबाजी नहीं। आपके मान लो कि परिवार वाले मिले, उधर जल्दबाजी नहीं करना चाहिए, बोलो क्या काम है बताओ, बच्चा हुआ है, पापा पापा बताओ क्या काम है, ये क्या है भाई क्या काम है, वो काम के लिए नहीं आया है, आपसे मिलने आया थोड़ा संबंध हाँ? तो ये तीन चीजों में कोई जल्दबाजी नहीं, इस तीन चीजों में जल्दबाजी हो रही है, इन्हीं तीन चीजों में जल्दबाजी हो, जप में, भजन में, भोजन में, संबंधों में, वो जल्दबाजी का फास्ट लाइफ, बता फास्ट लाइफ, उसके वजह से सब बिगड़ रही है। भोजन में जल्दबाजी की वजह से क्या हो रहा है, शरीर खराब हो रहा है, संबंधों में जल्दबाजी की वजह से मन खराब हो रहा है, और भजन में जल्दबाजी की वजह से आत्मा खराब हो रहा है, हमारी आध्यात्मिक जीवन खराब हो रहा है, ना शारीरिक जीवन, ना मानसिक जीवन, इमोशनल संबंध नहीं है और आध्यात्मिक जीवन नहीं। गिव टाइम, क्वालिटी टाइम, ठीक है। और कोई प्रश्न है? हरे कृष्णा भू जी। हरे कृष्णा भू जी, जब किसी से प्रश्न पूछते हैं तो पहले कहते हैं थैंक यू फॉर द नाइस लेक्चर, बट मैंने मिस कर दिया, मैं जस्ट भागा भागा आया, मुझे जब पता था कि आप आ रहे हैं, तो आपका ग्लोरिफिकेशन हम सुनते हैं अलग अलग महाराज का, तो मुझे पहले पता नहीं था आपके दीक्षित किससे हैं, तो मैं अलग अलग ग्लोरिफिकेशन सुनता था, राधानाथ महाराज का, हिज होलीनेस राधानाथ महाराज, हिज होलीनेस गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज, हिज होलीनेस राधा गोविंद महाराज, तो आपके ग्लोरिफिकेशन मैंने सुना है अलग अलग गुरु महाराज का, तो मुझे बड़ा अच्छा लगता था कि आपके इतने सुंदर संबंध हैं, और आप अलग, इवन हिज होलीनेस लोकनाथ स्वामी महाराज, तो आप हमेशा ही बोलते हैं कुछ ना कुछ महाराज के बारे में,
पुणे से हमने कई बार सुना है, तो किस तरीके से कि स्पेशल तो होता ही है कि हम जिनके प्रति दीक्षित होते हैं, शिक्षित होते हैं, उनके प्रति हमारा एक अटैचमेंट होता है, बट उसके साथ साथ किस तरीके से हम अन्य जो आचार्य हैं उनके प्रति भी एक सम्मान और एक उनसे अच्छी क्वालिटीज सीख सकते हैं। तो आपसे व्यक्तिगत रूप से कभी हमें सामना मौका नहीं मिला कि आपसे कुछ सुन सकें, बात कर सकें, बट ये हमेशा जब भी सुनता था तो बड़ा अच्छा लगता था आपके श्रीमुख से सुन करके। तो कृपया बताइए कि कैसे हमारे अंदर भी हम वो भावनाएं विकसित करें कि अन्य महाराजों के प्रति भी हम वही सुंदर भाव जो अपने गुरु महाराज के प्रति विकसित करते हैं वो कर सकें। हरे कृष्ण। देखिए वैष्णव होते हैं, वैष्णवेर जाति बुद्धि, और शिले अर्चा शिले और वैष्णवेर जाति बुद्धि गुरुषु नरमति ये पाषंडी भविद्रोम। अर्चविग्रह को एक पत्थर के रूप में देखना, गुरु को एक वर्ग के अंतर एक साधारण नर के विषय में देखना, एक मनुष्य है भी एक और एक मनुष्य है इस प्रकार देखना, और वैष्णवों को वर्ग के अनुसार देखना, ये गुजराती है, ये पंजाबी है, या विदेशी है, ये अमेरिकन है, और ये फलाना है, ये फलाना ग्रुप का है, फलाना ग्रुप का है, ये ठीक नहीं है। वैष्णव होते तो आपके जो गुरु है उनके साथ तो विशेष संबंध रहेगा, जैसे एक पत्नी का अपनी पति से विशेष संबंध रहता है, और वो संबंध कैसे व्यक्त करती है, विशेष है उनके साथ। उनकी पति के जो मित्र होते ना उनको भी सेवा करेगी, उनसे भी शाबाशी लेगी, लेकिन वो संबंध उनके पति के साथ जो है संबंध, विशेष संबंध, वो अन्य लोगों के साथ नहीं रहेगा, लेकिन वो संबंध का जो अभिव्यक्ति जो है वो अन्य रूप में उनको खिलाएगी, उनको मदद करेगी, सब कुछ करेगी। उसी प्रकार आपके जो गुरु के पास जो संबंध है वो संबंध हमेशा स्पेशल रहेगा, उसमें दो राह नहीं। तो आपके गुरु के प्रति जो स्पेशल संबंध है आपका, उसको कैसे व्यक्त करोगे, जब उनके जो गुरु भाई हैं जब उनका गुणों को गान करोगे और उनका सेवा करोगे। ये दोनों विरोधात्मक नहीं है। आपका जो अपने गुरु के प्रति जो विशेष संबंध है इसका ऐसा नहीं है, है कि नहीं? तो आप जब हिजुलनेस लोकनाथ सोए महाराज का, हिजुलनेस जयपता महाराज का गुणों को गान करोगे, ये आपकी गुरु की महिमा है, क्योंकि आपके गुरु ने इतना अच्छा शिष्य को उत्पन्न किया, ये आपकी गुरु की महिमा है। आपकी गुरु की महिमा आपसे रिफ्लेक्ट होना चाहिए। गुरु बिंब है, आप प्रतिबिंब हो। जैसे प्रतिबिंब मतलब समझते हैं, कांच के ऊपर, मिरर के ऊपर रहते हैं ना, वो मिरर कितना अच्छा है उतना वो क्या करेगा, वो रिफ्लेक्ट करेगा। अगर आपके मन में किसी के प्रति दुर्भाव, द्वेष भाव या सद्भावना नहीं है, आपके गुरु का जो महिमा है आपसे रिफ्लेक्ट नहीं होगा। तो आपकी गुरु के प्रति जो सेवाओं में सबसे महत्वपूर्ण सेवा है वैष्णवों को गुणगान करना, उससे आपके गुरु की महिमा बढ़ती है, कम नहीं होती, बढ़ती है और बहुत बढ़ती है। ये वैष्णव समाज है। वैष्णवता बहुत बड़ी चीज है, वैष्णव कल्चर बहुत बड़ी चीज है।
इसमें गुणों को खुलेआम गान करना और दोषों को नहीं देखना, ये वैष्णव समाज का सार है, वैष्णव संबंधों का सार है, वैष्णवता का सार है। अगर वो नहीं है तो सच में आप अभी शिष्य नहीं बने, आपके गुरु के शिष्य नहीं बने। हमेशा मैं जब हमारे मंदिर में ही कहता हूँ कि जब गुरु जी आते हैं उनको सेवा करने के लिए बहुत है, लेकिन उनके जो सेवक आते हैं, दो तीन लोग आते हैं साथ में, मैं दो तीन माताओं को कहता हूँ, देखो आप ना गुरु महाराज के लिए कुछ मत बनाना, कुछ मत बनाना, ये दो तीन दो चार उनके साथ में आते हैं ना, उनके लिए फीस्ट बनाना, क्योंकि गुरु महाराज के लिए जो बनाते हैं वो आप उन लोगों के लिए खाने लायक नहीं होता लेकिन बेचारे हर जगह जाते हैं, उनका महाप्रसाद ले लेके घर परेशान हो जाते हैं चाहे कोई गुरु तो इसलिए वो लोग प्रसन्न है। बात ऐसा है कि हमको गुरु के जो गुण हैं उसको हमारा हृदय जो है वो रिफ्लेक्ट होना चाहिए। वो कैसे रिफ्लेक्ट होगा? जब वैष्णवों के साथ आपका संबंध हो। इसी पाद रामानुजाचार्य बात को कहते हैं, वो स्टोरी में आता है गुरु का सेवा करने के तत्पर हो गया था व्यक्ति। रामानुजाचार्य के शिष्यों के साथ गए थे, एक गांव में स्नान कर रहे थे, गांव के बाहर एक शिष्य में, जाओ मेरे इस गांव में बड़ा शिष्य है, अमीर व्यक्ति है, एक दिन उनके पास जाओ, कहना कि मेरे शिष्य मैं आया हूँ शिष्यों के साथ में, भोजन का तैयारी व्यवस्था करेगा। वो गया, जाके कहा एग्नेश को, भाई आप रामानुजाचार्य आए, तो बड़ा खुश हो गया, बड़ा व्यवस्था करने लगा, इतना बोल बनाओ, ये बनाओ, सब आइटम बनाओ। तो क्या हुआ, एग्नेश शिष्य वापस आया, रामानुजाचार्य ने पूछा कैसे क्या हुआ? ने कहा कि हमारे स्वागत के लिए बड़ी तैयारी चल रही है। रामानुजाचार्य ने पूछा तुमको कैसे ट्रीट किया? ने कहा कि आपका नाम सुनते इतने ही भावी बोर हो गया ना, मुझे पानी तक नहीं पूछा। रामानुजाचार्य ने कहा उधर जाना कैंसिल, स्टन हो गया, हम जाएंगे गरीब शिष्य उनके पास जाएंगे। रामानुजाचार्य गरीब शिष्य के पास गए, उनके कुटिया था, दरवाजा खटखटाए, अंदर से आवाज़ आया उनकी शिष्या का, थोड़ा समय दीजिए मैं बाद में दरवाज़ा खोलती हूँ, क्योंकि उनके पास एक ही वस्त्र था, जो स्नान करती है उसको धोती है और सूखने तक ऐसी रहती है, और बाद में वो पहन के रामानुजाचार्य पर नंग वस्त्र दिया। प्रसन्न होकर उनको बैठाई, उनके बड़ा आपके लिए भोजन बनाती हूँ। तो पूरा स्टोरी लंबा है, वो तो बाद की बात है। रामानुजाचार्य जो है उस व्यक्ति के घर में नहीं गए जहाँ बड़े अमीर व्यक्ति था, बहुत कुछ था, लेकिन उन्होंने अपने शिष्यों को बराबर ट्रीट नहीं किया, है कि नहीं? तो ऐसे गुरु के शिष्य होते हैं, अन्य गुरु भाई होते हैं, और आपके गुरु के जो गुरु भाई होते हैं उनका सम्मान, उनका सम्मान करने से आपका गुरु का सम्मान से बढ़कर है। कारण क्या है? आपके गुरु की महिमा को आप उनकी सम्मान करते हुए व्यक्त कर रहे हैं, क्योंकि आपका गुरु का सम्मान कौन है? आप है, आपका व्यवहार वो आपकी गुरु की ख्याति बढ़ाता है, है कि नहीं? ठीक है, समय हो गया है। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। जिस कमल लोचन प्रभु जी की, श्रील प्रभुपाद की, समस्त गौर भक्त वृंद की। तो बहुत ही विशेष आभार प्रभु जी का कि प्रभु जी, जैसे प्रभु जी ने बताया, गुरुग्राम में आए हुए थे, और यहाँ पे वैसे प्रभु जी ने भक्ति शास्त्री का ऑनलाइन क्लासेस ली हैं, और काफ़ी भक्त आए भी हैं। कौन कौन आए हैं भक्ति शास्त्री बैच से, कौन कौन भक्त आए हैं? तो थैंक यू वेरी मच। तो बहुत तत्पर थे प्रभु जी का दर्शन करने के लिए, डायरेक्टली ऑफलाइन दर्शन करने के लिए, बिकॉज ऑनलाइन अलग है पर ऑफलाइन अलग है। तो वी आर एक्सट्रीमली ग्रेटफुल कि प्रभु जी यहाँ पर आए, और प्रभु जी से चर्चा भी हो रही थी कि अगले साल शायद हम भक्ति वैभव आरंभ करेंगे, जिन भक्तों ने भक्ति शास्त्री किया है उनके लिए, और हो सकता है प्रभु जी का भी उसमें सानिध्य में प्राप्त होगा।
तो बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। और प्रभु जी को पहले भी दो तीन बार बात हुई थी कि प्रभु जी जब भी दिल्ली आएँ तो हमें उनके संघ का लाभ मिले, और अभी भी रिक्वेस्ट करेंगे प्रभु जी आप प्लीज़ जब भी यहाँ पर आएँ। तो वैसे भी जैसे आपने बताया कि रथ यहीं से गया था, इसी हाईवे से गया था, तो आप यहाँ पर आ सकते हैं और हम सबको ब्लेस कर सकते हैं। तो एक्सट्रीमली ग्रेटफुल प्रभु जी का धन्यवाद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस कमलोचन प्रभु जी के, श्रील प्रभुपाद के, और जो भक्ति शास्त्री स्टूडेंट्स हैं आगे आ सकते हैं, प्रभु जी को कुछ छोटा सा भेंट भी करना चाहते हैं तो प्लीज़ आगे आइए। भक्ति शास्त्री स्टूडेंट्स आगे आ सकते हैं एंड वी कैन टेक ब्लेसिंग्स ऑफ प्रभु जी। जल्दी से प्लीज़ आगे आइए जो भी भक्ति शास्त्री बैच के स्टूडेंट्स आए हैं यहाँ पर। और सब भक्तों के लिए प्रसाद है तो आप गीता भवन में प्लीज़ सब लोग जा सकते हैं प्रसाद देने के लिए। और ये विजयदात्मा चतुर्थ में हमारे सीनियर मोस्ट भक्ति शास्त्री स्टूडेंट हैं तो उनकी तरफ से एक छोटा सा पार। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस कमलोचन प्रभु जी के, श्रील प्रभुपाद के, श्रील प्रभुपाद दिव्य ग्रंथों के अध्ययन के, श्रील प्रभुपाद के दिव्य ग्रंथों के वितरण की समवेत गौर भक्तवृंद की। थैंक यू वेरी मच। तो आप प्लीज़ ग्रंथों के अध्ययन में भी लगे रहिए और ग्रंथों के वितरण में भी लगे रहिए। हरे कृष्णा, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। प्लीज़ सब प्रसाद लेके जाइएगा। हरे कृष्णा।